Hello everyone, today we are going to discuss about our compulsion. Our compulsion means the work that you don't want to do, but you are compelled. Means when you are forced. Hello. When you are forced. You are forced to do something. To do something. जब आपको कुछ करने के लिए कोई भी काम एक्शन करने के लिए फोर्स किया जाता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए we use our compulsion. Is that clear? We have some common structures to express our compulsion in form of I am compelled to. मैं मजबूर हूँ. ऐसा कार्य जो आप करना नहीं चाहते. The work that you don't want to do but you are compelled to do. तो उसके लिए हम यूज करेंगे I'm compelled to, then first form of the verb. फर्स्ट फॉर्म की वर्ब कैसे यूज करेंगे? Have a look at the first example. I'm compelled to. हमने बोला learn English. इसका मतलब हो जाएगा कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर हूं. ठीक है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, नो मैटर. अगर आपने compelled लगा दिया है तो इसका मतलब होगा कि आप अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर हैं. अगर आप इसके स्थान पर कुछ और लगाना चाहते हैं, कोई दूसरी वर्ब लगाना चाहते हैं, तो यूज कर सकते हैं आई एम compelled to, मतलब हो जाएगा मैं मजबूर हूं टू. मैंने कहा जैसे कि लीव दिस जॉब. लीव मतलब होता है छोड़ना. दिस जॉब, इस जॉब को छोड़ने के लिए मैं मजबूर हूं. याद रखना है अगर आप compelled to की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कार्य आप करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ेगा because it is your compulsion. Compulsion को express करने के लिए सबसे common जो structure है वो है I am compelled to plus first form of the verb. Now the next example here, I am compelled to wash my clothes का मतलब होगा कि मैं अपने कपड़े धोने के लिए मजबूर हूं because there is no one at my home. घर पर कोई नहीं है, that's why I'm compelled to wash my clothes. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. और एग्जांपल देखिएगा, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास. नंबर तीसरा एग्जांपल, कोई भी कार्य जो आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन आप मजबूर हैं उसे करने के लिए यूज करते हैं compelled to का. नंबर फोर एग्जाम्पल है I am compelled to go walk to school. अब बताइए इसकी हिंदी क्या होगी, क्या कहना चाहता हूं मैं walk to school. इसका मतलब होगा walk to school मतलब होता है स्कूल पैदल जाना, तो मतलब हो जाएगा कि मैं स्कूल पैदल जाने के लिए मजबूर हूं. और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं. I am compelled to marry. का मतलब होगा मैरी मतलब होता है शादी करना, मीन्स मैं शादी करने के लिए मजबूर हूं. वेरी गुड. नंबर सिक्स एग्जाम्पल आप देख सकते हैं I am compelled to. इस तरीके से आप बार बार रखते रहिएगा, लिखते रहिएगा तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी. I am compelled to. यहां पर आपने लगा दिया है मो, मैं पोछा लगाने के लिए मजबूर हूं. ठीक है, इस तरीके से आप वाक्यों का प्रयोग करेंगे. नंबर सेवन, I am compelled to, आपने बोल दिया है लर्न ड्राइविंग. ड्राइविंग सीखने के लिए मजबूर हूं. लर्न स्विमिंग. स्विमिंग सीखने के लिए मजबूर हूं. उम्मीद है आपको compelled to का प्रयोग करना आ गया होगा. मजबूरी के लिए आप एक और लगा सकते हैं. अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं या फिर प्रेजेंट भी देखिएगा भी, I have to का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में कि वो काम जो आपको करने पड़ते हैं. ठीक है, कौन कौन से काम आपको करने पड़ते हैं अभी आपको डिसाइड करना है. जैसे कि आपको रोज स्कूल जाना पड़ता है या जिम जाना पड़ता है तो हम यूज कर लेते हैं ना, इस तरीके से यूज कर सकते हैं. नंबर एट, आई हैव टू. अब मैं आपको बस केवल आई हैव टू लिख देता हूं और यहां पर लगा दीजिए कोई भी वर्ब. वर्ब बताइएगा पहले, जैसे हमने बोल दिया आई हैव टू टीच द होल डे, मतलब मुझे पूरे दिन पढ़ाना पड़ता है. ये एक कार्य हो गया. अब मेरी इच्छा भी हो सकती है और शायद ऐसा हो सकता है कि है, मैं मजबूर हूं पढ़ाने के लिए. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं I have to go to hospital daily, मतलब हो जाएगा कि मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है.
मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आई हैव टू का मतलब होता है कि आपको जो भी कार्य है वो मजबूरी में करना पड़ता है, अब आप चाहें या ना चाहें, ठीक है बेटा। और देखिएगा, आई हैव टू मिल्क, मुझे जो है दूध निकालना पड़ता है। आई हैव टू गो टू जिम डेली, मुझे रोज जिम जाना पड़ता है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, ठीक है बेटा। ओ क्लॉक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। इन द मॉर्निंग एवरीडे, रोज सुबह 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 4 बजे, समझ में आया लोगों को। तो हम लोग जो है आई हैव टू का उपयोग भी कर सकते हैं, ये भी हमारी मजबूरी को ही रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 देखिएगा, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर आई हैव टू की जगह आई हैव टू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो टेंस होगा ये बन जाएगा आपका पास्ट। हैज होता है प्रेजेंट दिखाने के लिए कि कार्य आपको करने पड़ते हैं, और हैव टू का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट की चीजों को बताने के लिए। जैसे कि सिंपल वर्ब लगा दीजिएगा, वही हमने कहा आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। अब बताइएगा इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, या मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका सेंस क्या रहेगा। आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे मतलब मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा था। और देखिएगा, I have to cook last night, कल रात मुझे खाना बनाना पड़ा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। I have to के लिए आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। I have to walk to school या walk to office on last Sunday, पिछले संडे को मुझे ऑफिस पैदल जाना पड़ा। समझ में आप लोगों को, हो सकता है कि आपको ट्रेन ना मिली हो, ठीक है, बस ना मिली हो और आपको पैदल पैदल जाना पड़ा हो। आई हैव टू का उपयोग भी आप कर सकते हैं, ये पास्ट टेंस के लिए होगा, ठीक है बेटा। आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्सप्रेस करेगा आपकी पास्ट कंपल्शन। इज दैट क्लियर। कल मुझे पूरी रात जागना पड़ा, आई हैव टू अवेक होल नाइट यस्टरडे, ठीक है, इस तरीके से आप वाक्यों को बना सकते हैं। अब हम लोग जो है नंबर 10 पे बात करेंगे, आई विल हैव टू की समय यहां से हटा देता हूं, देखिएगा। अब हम लोग लगाएंगे यहां पर आई विल हैव टू, आई की जगह आप यू भी लगा सकते हैं, यू विल हैव टू, आई विल हैव टू, अब ये फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है बेटा। फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मुझे एक कार्य करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे लगा देता हूं बस यहां पे आप लोग को ये हटाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टुमारो लगा दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा कल जाना पड़ेगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, आप लोग यूज कर सकते हैं यू विल हैव टू। जब आप यू विल हैव टू बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल इसमें देखिएगा, नंबर शायद ये 10 एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर हमने बोला है आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लर्न इंग्लिश तो मतलब हो जाएगा कि मुझे जो है अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, एम राइट। अब 10 में देखिएगा, 11 में देखिएगा, 11 नंबर सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं, केवल बस आपको एक्शन पता होने चाहिए, इन स्ट्रक्चर्स का आप यूज करिएगा और आराम से अपने जो आपके कंपल्शंस हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, आई सो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू गो नाउ, यू विल हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब यहां से जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब जाना होगा, और फ्रॉम हियर लगा देंगे तो यहां से जाना होगा। कभी कभी हम बोलते भी हैं, आपने देखा होगा You will have to learn computer. तुम्हें जो ना कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, learn computer. तुम्हें कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, बस उसके आप सिंपल वर्ब जो है रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है उसको आप लगा देना, आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर ये थी, अब हमने बात करी है आई एम कंपेल्ड टू, आई हैव टू का प्रयोग हम प्रेजेंट की जो आपकी मजबूरियां हैं उनको बताने के लिए करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट आई हैव टू, इट मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट, द वर्क यू हैव टू डू इन द पास्ट। इफ वी टॉक अबाउट आई विल हैव टू और यू विल हैव टू, इट विल इंडिकेट योर फ्यूचर कंपल्शन, ठीक है। फ्यूचर कंपल्शन का मतलब होगा जो कार्य आपको फ्यूचर में करने पड़ेंगे। अब ये आपकी इच्छा है, आपकी इंटेंशन है, डिजायर है, इसका कोई मैटर नहीं होता है, करना है तो करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल अभी हम यहां पर ले रहे थे, देखिएगा इसमें आप दो चीजें और यूज कर सकते हैं। एक तो आई एम हैविंग टू, ये कार्य आजकल मुझे करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू, देखिएगा यहां पे आप लगा सकते हैं आई एम हैविंग टू,
अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ही इज सी इज माई फादर इज हैविंग टू देन अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर टू हम लोग यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज दैट क्लियर नाउ द एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग टू यूज कर रहे हैं आई एम हैविंग टू मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्या करना पड़ रहा है एक सिंपल सा आपने मेरा एग्जाम्पल दिया था गो टू हॉस्पिटल nowadays मतलब हो जाएगा गो टू हॉस्पिटल nowadays आजकल मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है बस केवल आपको एक्शन लगाना है वॉक टू स्कूल nowadays मुझे स्कूल पहले जाना पड़ रहा है आई एम हैविंग टू कुक nowadays आजकल मुझे खाना बनाना पड़ रहा है ये तो हो गया हैविंग टू का प्रयोग अगर हम बात करते हैं मे हैव टू की तो इसका मतलब देखो मे का प्रयोग आपने सुना होगा जब हम लोग बात करते हैं किसी एक्शन के 50% होने ना होने की तो वहां पर हम लोग मे का प्रयोग कर लेते हैं तो मे हैव टू का मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट द पर्टिकुलर वर्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बट यू विल डू आप उसको कर सकते हैं दिस मे बी अ कंपल्शन देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको आपने यूज कर दिया है एग्जाम्पल दे देते हैं आई मे हैव टू यहां पर आपने लगा दिया गो टू या गो समवेयर टुमारो Go somewhere tomorrow. Somewhere means होता है कहीं. Tomorrow मतलब होता है कल. कहीं बार go मतलब होता है जाना. तो क्या मतलब हो जाएगा? I will have to go somewhere tomorrow. मुझे कल कहीं जाना पड़ सकता है. उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा. I may have to go to my village. Go to my village. मुझे अपने गांव जाना पड़ सकता है. I may have to teach tomorrow. मुझे जो है मतलब कल पढ़ाना पड़ सकता है आई मे हैव टू कम ऑन संडे मुझे संडे को भी आना पड़ सकता है इवन ऑन संडे का प्रयोग कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स यू कैन मेक द सेंटेंसेस रिलेटेड टू योर कंपोजिशन 100% यू विल बी एबल टू स्पीक होपफुली यू विल बी एबल टू गेट व्हाट आई टॉक टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड टाइम बाय बाय